me on social media. बहुत हो गया नमस्ते और राम राम. अब शुरू होगा प्रोग्राम. Ladies and gentlemen, please put your hands together. बराबर बराबर. Ladies and gentlemen, for the one last time before he starts speaking, I want the entire crowd to join the group. Aren't you getting my testing? क्या हाल है एमक्यू वालों? तुम्हें तो मास्टर नहीं कहता इसे ना पढ़ाना. पहले तो बताओ कोट पैंट कैसे लग रहे हैं? तेरे भाई ने कर दिया जिम से लो. उसको चाहे उसको लपेट दो. मुझे पता लगा भाई एलपीयू में जा रहा हूँ. पहले आप सब जिम लाई लो. ऐसे तो चिल्लाओ मैं पीछे बजाऊ थोड़ा सा. मुझे पता जो चिल्ला लेना वीडियो डिसलाइक करो तुम मेरी. चलो कोई बात नहीं. सेठ हमें सेठ बनाना साहब से बाकी सबको पूछते. एक दिन मुझे पता लगा कि एलपीयू में जा रहे हैं तो मैं तो पहली बार कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ ये. अब बिल्कुल नेचुरल कर रहा हूँ. पहली बार सारा बिल्कुल कर. हाँ सारा सारा. अरे अरे तुम तो ये एलपीयू में जा रहा हूँ पता लगे. आया मैं रुका हो आराम से अपना होटल में रुका. रात को मैं खाना वाना खा के अब तुम्हें बताना मैं गंदी आदत टहलने की तो सुबह दिक्कत आ जाती है. तो मैं आया मैं घूमा अपना आराम से घूम रहा हूँ मैं देख रहा हूँ. अब भाई वहां पे सब मेरे से कहने लगे भाई तुम्हारा तो स्वैग अलग है. मैंने कहा भाई स्वैग क्या होगा? स्वैग का मतलब तू क्या मुझे एक ही पता सी वहां से गुजर. पता नहीं तुमने कौन सा स्वैग बोल दिया. तो कह रहे भाई ऐसे नॉर्मल बात बात जब वहां पर जाओ ना थोड़ा सा भाई इंग्लिश इंग्लिश में कर देना. मामला है एवरीबॉडी डांस क्या कहते हैं और एवरीबॉडी का नाम नाम जो भी है अपने दिमाग से पता है. ऐसी बात नहीं कि इंग्लिश में आती आती है समझ लो ऑलरेडी मसल पार्टी वाली उसको टेक्निकल ऐसे नहीं है. जिंदगी की सबसे बड़ी जंग है अंग्रेजी में अपना हाथ खड़ी है. चलती रही अब सुबह उठा दिया. अब मैं तो भाई सुबह तो सोचने लगा अपना पहुंच जाएंगे आराम से अपने यहाँ तक का पहनेंगे कुछ एक टी शर्ट पहनेंगे. यार बहुत सच बता रहा हूँ ऐसा लग रहा बिहार यार मुझे लग रहा है एक जो आई है घोड़ी बैठूंगा उस पर और वहां अपना आराम से जाके पहन कर लेंगे. जब मैं पहले मैंने भी जैसे तुम सब बारहवीं बार भी करी मैंने भी बारहवीं करी. बारहवीं के बाद एक और रोग होता है ग्रेजुएशन. जो हम करते हैं और हमें पता होता है इसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे. तो ग्रेजुएशन में मैंने भी एडमिशन लिया. अब सब अच्छा ही चल रहा था जैसे चलता रहता भाई नॉर्मल चल रहा है. यार पैसे में थोड़ा अटक गया एक बार हो चुकी. हमारे आसपास लोगों के ना मैं मेरा मानना है कि जैसे यहाँ पे लोग बैठे हैं ना
तो कोई इंडिविजुअल कोई भी बैठा है ना उसके अंदर एक कैरेक्टर जरूर छुपा हुआ है, अपने आप में वो कैरेक्टर है। कोई एक लड़का है ना जरूर बैठा होगा, सच सच बताना, जो लड़की को देख के पूरा बदल जाता है। ये कैसे ऐसे बोलता होगा, अरे रोटी खाई हो जैसी लड़की जा रही है, एक्चुअली समवन को ट्रीटिंग दिया है। ये जरूर होता है, ये मेरा भी वैसा है। मैं भी ऐसी एक मैं और मेरा दोस्त खड़ा था, तो मैं उससे बात कर रहा था कुछ ऐसी, तो मैं उससे कह रहा था यार 10 रुपए दे दे जो पुराने लिए थे, हिसाब किताब साथ बराबर करके चला कर, लास्ट टाइम छोले कुलचे खाए थे, हिसाब काट देता है, तो अपना ब्रेड पकौड़े में ऐड करा देता है, कुलचे काट देता है। मैंने देखा पीछे से उसकी गर्लफ्रेंड आ रही है, तुम्हारे भाई का स्वैग चेंज, स्वैग कौन से वाला, सी बॉन्ड से गुजर, तुम्हारे भाई का स्वैग चेंज, तुम्हारा भाई जैसी लड़की थोड़ी सी पास आ रही है, तुम्हारा भाई फॉर्म में, बिल्कुल बुरा गुड हैपनिंग यार, एक्चुअली हैपनिंग समटाइम। और एक तुम्हारे भाई का है वो, आगे तुम्हारा भाई फॉर्म में, लड़की भी आई, अब लड़की ने भी आते नहीं कहते कहा हाल है, तुम्हारा भाई फिर से चेंज, मन की वही हड्डी वही ख्याल है। तो भाई ऐसा एक कैरेक्टर जरूर रहता है। एक हमारे चाचा जी के लड़के हैं, उनकी एक बहुत अच्छी आदत है, मैं सुबह सुबह उठा, उठ के मैं खड़ा हुआ अपना, सबसे पहले हमें जैसे हम उठते हैं तो दुनिया को पता नहीं क्या रहता है, भाई मेरे को तो दूध पीने की रहती है, दूध चिल्लाओ पहले, अपनी मन की इच्छा पूरी कर लो सारे, एक और हमारा सिंपल सा हिसाब है, हमसे कोई पूछता है हमारे, तुम्हें पता है हमारे घरों में भाई शादी के लिए बहुत जल्दी आ जाते हैं, बहुत जल्दी अभी मेरी सुनने में आया था, कोई भी बहुत डरता वरुण पृथ्वी भाई की एंगेजमेंट हुई है, चलो भाई थाली भाई का दर्द, हमें भी कुछ टाइम बाद पता लगेगा भाई के दिल पर बहुत बुरी बीतरी होगी। भाई को पता है, भाई को जहाँ एक कॉल आती थी 17 आएंगी, तो जब आए तो रिश्ते वाले जैसे आते हैं, तो रिश्ते वाले सबसे पहले आके यही पूछते हैं भाई लड़का क्या करता है क्या नहीं करता है, तो भाई औरों के घर में बताया जाता है कि भाई हमारा लड़का डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये है, हमारे घर में बताया जाता है प्रॉपर्टी डीलर है। और उसके साथ एक बात और बोल देते हैं, 6 प्लॉट काट दिए नोएडा में, क्या कह दी फॉर्चुनर मिल रही है, बस उसमें भैंस का न्यार आ रहा है। हमने परिभाषा बदल दिया है, कैसे? हाँ सारे यार एक और चिल्ला दो, हमने परिभाषा ये बदल दिया, लोग बाग वही जाते हैं, 4 घर के 5 सदस्य हुए, 5 सदस्य जाते हैं कि भाई आज कहीं जाना है अपना, आराम से कहीं जाएंगे, कहीं पे वैकेशन बिता गएंगे, वो बड़ी गाड़ी मंगा लो, किराए पे कर लो या कर लो, हम बड़ी गाड़ी मंगाते हैं और आगे बिठा देते हैं ड्राइवर और पीछे भर देते हैं भैंस का न्यार, और यार तू बहुत बोल रहा है, बताते भी ला रहा है, एक बंदा मुझे अपने जैसा चाहिए था सामने, और एक एक बात तुम लोगों में बड़ी अच्छी है, जो मुझे सबसे अच्छी लगी पता है क्या, सही बताऊं, लड़के ही चिल्ला रहे हैं। अच्छा ये बात तो माननी पड़ेगी, लड़के थोड़ा कम चिल्लाते हैं, अब लड़के कैसे ढीले पड़े, यार तुम बुरा जल्दी मानते हो, ईगो पे बात सारी लेनी चलती है क्या, एक बात कही
नू कह रहा ट्रैक्टर वाले से कह रहा कि तू इस ट्रैक्टर है हटा रहा है या मैं इसे इसे एक हाथ से उठाकर पतली कर लेती हूँ। तो छम मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात आई जो बिल्कुल ही बहुत अच्छे तरीके से चली वो क्योंकि जिम विम का बोलता है जिम कि जिम करना है ना डरे ना जिम करे आ जाइयो जब मन करे ये डरा जिम करा पुराना हो गया ये ना तेरे भाई ने कर दिया जिम शुरू। अब थोड़ा सा मेरे लिए इतना ही काफी है ज्यादा मैं बोल नहीं पाऊँ क्योंकि बोल भी ना पाता हूँ तुम्हारे सामने पहली बार ही कर रहा हूँ। ना फूफा हमारा सांसद ना चाचा हमारा विधायक नायक नहीं तो वो दोबारा लेगी मुझे खाने को
फिर वहां उसने ये सेम सेंटेंस रिपीट करा डेमेंटेंस को पेंट बस सेंटेंस बदल दिए वही जो मैंने करा ना अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग प्रीटेंडिंग डिफेंडिंग तो आने जब ऐसे तीन चार ऐसे बोले तुम्हारे भाई ने फिर एक बात मारी हाफ प्लेट चाउमीन हाफ प्लेट चाउमीन के साथ कैंपा कोला बोली बेटा बोला ले गया कैंपा तो बालक बिगड़ा वो सुन रहा बिगड़ेगा कह रही मेरा भाई देख रहा मैंने क्यों छोटा सा साला तेरे भाई का साला हंसी मजाक से अलग एक थोड़ी सी सीरियस बात भी सुन लो मेरी मुझे पता है तुम मुझे इसी में पसंद करो एक वीडियो भी बनाई मैंने सेम नोट टू ड्रग्स डिसलाइक मारे देंगे कमेंट वाले वैसे बहुत जबरदस्त रहते हैं एक आदत एक बंदा एक ऐसा जरूर मिलेगा कमेंट सेक्शन में मोदी जी ने डाल दिया देश में आपदा आ गई है अपना ध्यान रखना तो वहां पे नेहा जैन का कमेंट आया है नेहा जैन ने कहा मोदी जी आई एम विद यू नीचे एक अंकुर जरूर होगा मैया आई एम ऑल्सो विद यू बिल्कुल देखो अक्षय जी आपको मैं बता देता हूँ जैसे कि अक्षय का पीएम अक्षय बैठा है कि भाई राम कुमार ने कमेंट मारा है अक्षय जी ये आपको एक सजेशन देना चाहता है मतलब यार ये अलग ही तरह के खैर चलो लड़कों की तो आदत होती है बदल नहीं जाते हैं हाँ अभी भाई को देखो जो कोर्ट में बैठा है फोन में लगा हुआ है एटीट्यूड प्रॉब्लम है भाई एटीट्यूड तो अपने आप आना बनता है दोनों आपके दो पैर ऐसे रखा के कैसे चलो जाने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ जब मैंने वीडियोस वगैरह बनानी स्टार्ट कर दी तो मैंने 18 फरवरी को वीडियो डाली थी उससे पहले मैं डबिंग कर लेता था कभी कभी वो भी घर वालों से छुपके तो डबिंग वो बॉर्डर की डबिंग करी थी मैंने सुबह रिसो देख रहा हूँ वीरपाल तो सुबह रिसो कैसे अरे तुम्हें तो सब याद है ये वही है ना जो 100 रुपये में बुलाए मैंने तुम में से कोई ऐसा जरूर होगा छोटू तेरे भाई से अच्छी नहीं लेता कोई फोटो क्योंकि घर वालों को तो एक एक्सपेक्टेशन थी कि लौंडा प्रॉपर्टी डीलिंग का ऑफिस खोलेगा 100 बच्चे
क्योंकि लड़के के चाल चलन भी बदलने लगे थे, क्योंकि अब लड़का वो वाली पैंट पहनने लगा तो फटके यहाँ से कुछ पैंट कहे हैं हमें अलग से कहे हैं। मैंने पहले कह दी सोलू में यार वो वाली पैंट देना जो यहाँ से फटी रहती है, सोरी शर्ट इट्स रगड़ लड़की ठीक है भाई रगड़ के दे दे अब मैं अपना लौट रहा नाम से तुम्हें तो पता सो नींद देखो नींद सबसे प्यारी है नींद सबसे प्यारी नींद के सामने कुछ नहीं चलेगा तो मैं लौट रहा है मेरे को बुला रहा है कि भाई बुला रहे हैं। अब तुम्हें भी पता है ऐसे घर के गुलाम है ना तो बस एक बात याद आ रहा है कि यार किसी से लड़के तो ना आए तू फिर एक और बात याद आ रहा है जो मेरे को आखिरी यार बैग की तो ना पता लग गई ना मेरे को बुलाया चुप दे नहीं अब मेरे को लगा भाई कुछ कहेंगे बुलाया बिठाया तो थोड़े स्टाइल में कहते हैं बैठिए मन की इज्जत मन की हमें बैठिए आज तो पहले तो कहते जाके नहीं खर्ची नहीं लेगा तो जब ऐसे चलने लगा तो मेरे को बिठा लिया बैठिए मैं बैठ गया मैं बड़े खरीद मेरे को थोड़ा ऐसा लगा ये मेरे से कहेंगे सेल्फी लेते हैं तो मैं थोड़ा सा भाई की तरह एटीट्यूड में बैठा तो जब मैं उनके सामने बैठ गया तो मेरे से कहने लगे भाई सुनने में आया एक नया काम शुरू किया है आपने मैंने कहा हाँ जी किया तो है वैसे ही बोल रहा हूँ उनके सामने नहीं बोला लाया तुम्हारे सामने तो नंबर बनाने पड़े तो कहने लगे भाई मेरे सुनने में आइए तू शादियों में वीडियो बना शादियों में कैसी वीडियो बनता मैं समझा नहीं जैसे आदमी रसगुल्ले खा रहा तो उस पर कैमरा लगे पहुंचा यू कैसे यू कैसी बात है अजीब सी बात कर दी थोड़ी सी इन्होंने मम्मी भी बुला ली अगर मम्मी बुला ली तो मम्मी हमारी थोड़ी सीधी है मम्मी से भाई इसको समझा दो गलत है ये चीजें पढ़ाई वढ़ाई कर रहा पढ़ाई में ठीक है और कुछ भी ठीक ना है मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ मैंने 12वीं करी ग्रेजुएशन करी और फिर करी लो मुझे कह गए यू पढ़ाई में सबसे बेखा महानाला है फूफा के चाचा के ताऊ के नाना के मोसा से कंपेयर करी पढ़ाई में था लड़का हीरा था हीरा हीरा खोज दिया हमने मम्मी वाली दूसरे मम्मी से कहने लगे देख लो ये ऐसे ऐसे कर रहा मम्मी कही हाँ पता तो मुझे भी लगी नहीं तुम्हें कैसे पता लगी वो मैं ना मैं मोनी के घर गई मोनी हमारे पड़ोस में रह रहा है तो कह रही अमित भैया पार्क में लड़की छेड़ रहे मैं मम्मी को देखने लगा अब थोड़ा सा घर वालों के सामने चलती नहीं मेल जो होते हैं हम उनसे थोड़ा सा डर जाते हैं फीमेल को देख पा रहे कर देते मैंने तुरंत मम्मी की तरफ गलत गलत जा रहे बहुत गलत जा रहे छोटा भाई है उसके उससे बड़ा प्यार हमसे कम तो मम्मी कह रही जब मुझे धीरे धीरे पता लगी ऐसे ऐसे तो मैं कहने लगा भाई ये गलत काम नहीं है कि ऐसे ऐसे यूट्यूब होती है और ऐसे होता है आपके अंदर कोई टैलेंट है तो वो दिखाने का उन्होंने मेरी बड़े प्यार से बात सुनी लेकिन उन्होंने जिस तरीके से मेरा अलविदा कहा वो मेरे को आज तक याद है फिर मैं आज तक गया नहीं उनके सामने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मैं अपना दो गेट है दूसरे वाले से चुपचाप गेट खुलवा के निकल जाऊँ अपने कमरे से तो मैं निकल गया मेरे से कहते हैं शर्म कर ले आंखों में आंखों से आके मिला के बात कर रहा है हमारी मैंने आंखें नीचे कर ली देख चोर है इसके मरना हमारे नीचे चोर है कहने लगा मैंने तुरंत जैसे डर बाप से नजर मिलाएगा अगर कोई अच्छा बालक होता ना बढ़िया होता दे उसका होता मुकेश था एक मुकेश अंकल यार हर जगह यहाँ अगर वो मुकेश का होता तो वो अब तक उठकर चुप चला जाता भाई जैसे तुम्हारा भाई फोन में रहता है तुरंत फिजिकल मारा मैंने बैठा था ऐसे बैठा था मैं तुरंत ऐसे उठा देखा बात की सुनना नहीं था तुरंत बैठा जैसे तुम्हारा भाई तुरंत बैठा अब बाप से बहस करने के लिए बैठा तुम लोगों के लिए तो क्या ही बोलूं सब
पड़ जाते हैं कभी कभी, सच बता रहा हूँ ये, मैं इसलिए नहीं कह रहा तुम प्लीज लाइक कर दो। तो भाई एक बात है बस यही है, अपना लाइफ में कुछ भी जब आप नया करते हैं तो आपको बहुत लोग होते हैं जो रोकते हैं टोकते हैं, कहते हैं यार ये चीज़ अच्छी नहीं है, तेरे पे अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन आपको रुकना नहीं चाहिए। अब पढ़ाई में कुछ भी कर रहे हो, मैं मेरा मानना है कि हर किसी बंदे के अंदर या वो सिंगिंग एक्टिंग कुछ भी कर सकता है, मेरी तरह ओवर एक्टिंग वो कुछ भी एक टैलेंट कर सकता है, उसको इस चीज़ से निकलना चाहिए, बाहर आ जाना चाहिए, उसे सोचना चाहिए कि भाई मैं जिस चीज़ में परफेक्ट हूँ। अब मेरे साथ कहने लगो सिंगिंग, तो भाई मैं तो तो जाते जाते बस यही कहूंगा ऐसी प्यार देते रहो, मम्मी ने
चक्कर ही आ गया, मैं काल मंडिया का कलर ले लिया। मेरे पास इतने दिन राम मंदिर गया, ये तो बड़ा प्यारा बात है। चलो भाई।